अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल विल बी ऑल राइट। सो आज के जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स। तो जो प्रीवियस टॉपिक हमने कवर किया था वो था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, और उसकी जो है वो कुछ एडाप्टेशन हमने पढ़ी थी ज़ीरोफाइट्स की। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स में कैसे होती है। बट बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन एज यूजुअल। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या होती है, मेंटेनेंस होती है सॉल्यूट्स और वाटर की इनसाइड द सेल, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है तमाम ग्रुप ऑफ एनिमल्स में। तो ऑस्मो रेगुलेशन तमाम ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तमाम ग्रुप्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, अगर सेल का बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है यानी कि पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। अगर सेल का आउटर एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है और सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, तो सेल हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ आएगा, यानी कि सराउंडिंग से कहाँ जाएगा, अंदर आएगा। तो ये कंटिन्यूसली वाटर जब एब्जॉर्ब होता है सेल में, यानी कि वाटर जब इंटर होता है सेल में, तो सेल क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं, अगर सेल को हम हाइपोटोनिक में रखते हैं और सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक में रखते हैं, तो कंटिन्यूसली सेल से पानी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि सेल का अंदर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है और पानी हमेशा हाइपोटोनिक से मूव करता है हाइपोटोनिक की तरफ। तो इसीलिए सेल जो होता है वो कंटिन्यूसली वाटर को लॉस करेगा, और जब वो कंटिन्यूसली वाटर को लॉस करेगा तो सेल है वो क्या हो सकता है, श्रिंक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, और कंटिन्यूसली क्या हो जा मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है सेल की। तो इसीलिए सर्वाइवल के लिए प्लांट्स एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रहना पड़ता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसलिए रहना पड़ता है ताकि ना ही उनमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, ना ही उनमें कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से सेल ब्रस्ट हो। इसीलिए उनको सर्वाइवल के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। यही बात इस टॉपिक में लिखी हुई है कि किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, चाहे वो लैंड में रहते हों, वाटर में रहते हों, एनिमल सेल्स को क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस रखना पड़ता है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। यही दो बातें की हुई हैं, कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, और कंटिन्यूसली जो पानी है वो बाहर देते जाएंगे सेल से, तो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए मेंटेनेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, रेगुलेशन रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, यानी कि जो लैंड में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उसमें कैसे होती है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर लॉस करने में उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है वो डायरेक्टली एक्सपोज होती है एनवायरमेंट के साथ, ठीक है। तो इसीलिए पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूसली पानी एवापोरेट हो जाता है उनके परमिएबल सरफेसेस से, तो क्या हो सकता है, सेल को फ्लैसिड हो सकता है, डेथ हो सकती है सेल की, ठीक है, क्योंकि सेल फ्लैसिड बन जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स बोले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट है, उन्होंने कुछ एडाप्टेशंस की हुई होती हैं, ठीक है। तो अब हम वो एडाप्टेशंस पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर को लॉस करने में कोई उनको डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि वो वाटर को लॉस कर देते हैं परमिएबल सर्फेसिस की वजह, परमिएबल सर्फेसिस के थ्रू, जो कि एक्सपोज होते हैं एटमोसफेयर में या एनवायरमेंट में, ठीक है। तो तमाम एनिमल्स के ग्रुप में से दो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स हैं, आर्थ्रोपोड है और दूसरा हमारे पास वर्टिब्रेट है, ठीक है। उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज जो होती है वो एडॉप्ट की हुई होती हैं, डेवलप की होती हैं, ठीक है, ताकि उनको ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो। अब हम बात करते हैं उन एडाप्टेशंस की, कि वो कौन सी एडाप्टेशंस हैं जो उन्होंने डेवलप की हुई होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट एडाप्टेशन की, जो वर्टिब्रेट्स ने और आर्थ्रोपोड्स ने, आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम हो, आप बोल सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एडाप्टेशन की, वो है वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। मैमल्स और
इंसेक्ट्स की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स तो वर्टिब्रेट्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। उन्होंने वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उनकी एपिडर्मिस पे कुछ प्रोटीन्स डेवलप कर दी होती हैं, उनको बोलते हैं हम कैरेटिन प्रोटीन। तो उन्होंने क्या कर दिया है, एक एपिडर्मिस है उसमें प्रोटीन्स हैं, कैरेटिन प्रोटीन्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मिस। तो कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मिस जो होती है वो वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, यानी कि वाटर कम से कम लॉस हो, इसीलिए वो क्या करती हैं, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वर्टिब्रेट्स की बात। अब इंसेक्ट्स के पास कैरेटिनाइज एपिडर्मिस नहीं होती, तो इंसेक्ट्स के पास दूसरी वाटरप्रूफ लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। उन्होंने क्यूटिकल को डेवलप किया होता है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। दोनों का काम क्या था, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, दोनों क्या है, वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग से। बस फर्क ये है कि वर्टिब्रेट्स में कौन सी है, कैरेटिनाइज एपिडर्मिस, और इंसेक्ट्स में हमारे पास कौन सी है, क्यूटिकल। ये थी हमारे पास फर्स्ट एडाप्टेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड एडाप्टेशन की, जो है स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यूरिक एसिड जो होता है वो उनका एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये कुछ टाइम के लिए क्लोका में स्टोर होता है। क्लोका हमारे पास क्या होती है, जब रिप्रोडक्टरी और उसके अलावा हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग होती है वो अगर सेम हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोका। तो यूरिक एसिड जो होता है वो कुछ टाइम के लिए क्लोका में स्टोर होता है, जहाँ से वो एक्सक्रीट आउट होने से पहले उसमें जो भी वाटर होता है वो सेल वापस से रीअब्जॉर्ब करता है और अपनी जो वाटर की नीड होती है उसको पूरा कर देता है। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की बात कही जाती है, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो वाटर में इंसॉल्युबल होता है वो क्लोका मैंने आपको बताया, उसमें स्टोर करते हैं टेम्पररी टाइम के लिए और फिर वहाँ से पानी को रीअब्जॉर्ब करते हैं और बाकी जो उनका वेस्ट होता है वो इन सेमी फ्लूइड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, क्लोका से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन होती है। कार्बन 5, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 4 और ऑक्सीजन 3, ये है हमारे पास यूरिक एसिड का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं क्या, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करके पानी को ऑब्टेन करना इज नॉन एज यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स पे हमारे पास किसे आ गए, कौन कौन आ गए, कैमल आ गया, कैंगरू रेट आ गया, वो क्या करते हैं, जो उनके बॉडी फैट्स होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करते हैं। जब ब्रेक डाउन होते हैं फैट्स तो उनसे कुछ वाटर रिलीज होता है, तो उनके सेल्स क्या करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से अपनी वाटर की कमी को पूरा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ मैमल्स लाइक कैमल, कैंगरू रेट एक्सेट्रा मेक यूज़ ऑफ वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फैट्स। फैट्स को तोड़ते हैं, वहाँ से वाटर प्रोड्यूस होता है, उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं और अपनी वाटर की कमी को पूरा करते हैं। ये था हमारे पास यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हम बात करते हैं स्टोरिंग ऑफ वेस्ट, जो कि हमारे पास फाइनल एडाप्टेशन की हुई होती है आर्थ्रोपोड ने और वर्टिब्रेट्स ने। मैमल्स जो होते हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी कि उनका नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है, यूरिया होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CH4N2O। सी कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन के हाफ होता है और ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है, कार्बन के रेशियो जितना होता है, CH4N2O। ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैमल्स जो होते हैं वो यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए यूरिया को अपनी किडनीज में क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, स्टोर करते हैं, जहाँ से वो हमारे पास वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। अगर हम इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो ये होता है कि यूरिया को कुछ टाइम के लिए वो अपनी किडनीज में स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो सेल की कंडीशन होती है वो क्या होती है, हाइपरटोनिक होती है। तो वाटर क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे पास हाइपोटोनिक होता है। तो सेल जो होता है उसमें कंटिन्यूसली पानी आता रहता है जब तक उनकी वाटर की डेफिशिएंसी पूरी ना हो जाती हो। फिर जैसे ही वाटर की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है तो वो जो यूरिया होता है जो किडनीज में स्टोर हुआ होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है और वापस से उनकी कंडीशन सेम हो जाती है। फिर अगर उनका
इसी तरह से फिर वो क्या कर देते हैं, अपने जो यूरिया होता है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और फिर उनकी जो कंडीशन होती है सेल की वो सेम हो जाती है, और पानी कंटिन्यूसली फिर आना स्टॉप हो जाता है। इस तरीके से उनकी वाटर की जो डेफिशिएंसी थी वो भी पूरी हो गई, और सेल जो होता है वो ब्रश भी नहीं हो जाता। तो ये था स्टोरिंग ऑफ वेस्ट में। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।